हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेव्स गुड लाइफ। कैसे आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मेरे घर पे बना हुआ है दही भल्ला। आप बहुत लोग उसे दही वड़ा भी बोलते, तो चलिए आज देखेंगे कि वो दही भल्ला कैसे बनाया है, उसे खाएंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दही भल्ला यहाँ पर सर्व किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको कटोरी में निकालूंगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये निकल चुका है दही भल्ला और अभी इसे टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसा है। देखने में तो ये बड़ा ही टेस्टी लग रहा था, इस पे दही है, फिर बाद में गार्निशिंग किया हुआ है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसे एक उठाएंगे। वाओ, अब देख सकते हैं, चलिए खाते हैं जरा अभी। बहुत ही मीठा है। टेल यू फ्रेंड, ये इतना सॉफ्ट बना हुआ है, ये बोलते हैं ना, मुंह में डालते ही घुल जा रहा है। तो चलिए और एक बार खा के देखते हैं। मतलब दही भी इसमें भर भर के डाला हुआ है और बहुत मीठा है, बहुत मजा आ रहा है। और मैं बता दूं, जो राई के दाने की और जो कड़ी पत्ते की जो गार्निशिंग भी किया हुआ है ना, उसके वजह से खा रहे ना साथ में इसको कॉम्बिनेशन करके, बड़ा ही लजीज लग रहा है, एब्सोल्युटली टेस्टी। हैट्स ऑफ टू माय बेगम कृष्णमा, जिन्होंने दही भल्ला आज बनाया हुआ है। और मैं फ्रेंड, मैं बता दूं, दही वड़ा जो है ये महाराष्ट्र में इसको दही वड़ा बोलते हैं और दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड में इसको दही भल्ला बोलते हैं। तो खाने में बड़ा ही मजा आ रहा है। तो चलिए, मैं और खाना चाहूंगा। लेकिन आप देखेंगे ग्रीन पत्ती से गार्निशिंग किया हुआ, कितना मजा आ रहा है, साथ में कड़ी पत्ता भी है। और इतना वो स्वीट बना हुआ है। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो दही भल्ला है किस तरीके से बना हुआ है। मतलब ये, मतलब मेरी वाइफ बता रही थी कि जो ये बनता है, ये उड़द की दाल का बनता है और ये उड़द की दाल को जो है ना ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। मतलब सोक करने से क्या होता है कि जो दही के जो वड़े होते हैं ना, वो जब इसको फ्राई करते हैं बहुत सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है, रात भर सोक करके रखते हैं, फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में जो है उसे पीस के पूरा एकदम, मतलब बोलते हैं ना, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के बाद में ना इसके छोटे छोटे वड़े बनाए जाते हैं, जो कि दही वड़ा होता है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे इस तरीके से, देखिए वड़ा बनता है वो। और बाद में फिर क्या करते हैं, उस वड़े को फ्राई करने के बाद में एक बॉल में लेके उसमें जो है ना पानी में इसको सोक किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ये वड़े जो होते हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर क्या, बस वो सॉफ्ट होने के बाद में अब मिक्सचर ऑफ दही वड़ा एंड फिर उसको क्या करते हैं ना, दही को पहले एक लेयर दही से लगाते हैं, उसके ऊपर फिर बाद में वड़ा डालते हैं और फिर बाद में और उसको दही से जो है ना फ्रेंड्स, पूरा उसको हर तरीके से जो है उसको मिक्सअप कर देते हैं। सो दैट क्या होता है, जो ये जो वड़े होते हैं ना, दही वड़े के जो वड़े होते हैं, वो दही को सोक करके, पानी को सोक करके ना, वो इतना सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है कि खाने में इतना मज़ा आता है ना, पूछिए मत। चलिए और एक बार मैं थोड़ा खाना चाहूँगा पहले एक बार। इतना सॉफ्ट है, वाओ। मतलब दही बड़े तो बहुत लोगों ने बहुत जगह पर खाया है, बट एक्चुअल में जो दही बड़ा होता है वो घर पे जो बनता है ना, क्योंकि वो एकदम प्योर होता है, स्वादिष्ट। और फ्रेंड्स, हाँ सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि फिर क्या होता है कि वो दही में पूरा मिक्सचर करने के बाद में उसको थोड़ा सा, बोलते हैं ना, दही वगैरह जब सोख लेता है वो, तो उसके बाद में जो है ना उसको थोड़ा सा जो है ना तड़का देने के लिए राई का और कड़ी पत्ते का तड़का दिया जाता है। तो उसको तड़के को जो है ना बाद में वो दही वड़े के ऊपर डाल के थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं। और उसके बाद में क्या, फिर जो और थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए होता है, जो मिर्ची पाउडर होता है, और फिर साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं। हमारे घर पे अक्सर जब बनता है तो मेरी बेगम क्या करती है कि गरम, बोलते हैं ना, गरम मसाले का भी जो है ना थोड़ा सा मिक्सचर पाउडर बना के उसको भी गार्निश करती है। और मेरे हिसाब से गरम मसाले में उन्होंने कुछ इलायची, काली मिर्च और इसी तरीके से जो है ना, मतलब लौंग, कुछ ये जो गरम मसाले होते हैं उसका एक पाउडर बना के उसके साथ में भी गार्निशिंग करते हैं। और उसके बाद में क्या, फिर आप देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इतना स्वादिष्ट दही भल्ला बनता है ये फ्रेंड्स। और मैं सही में बता दूं, मतलब ये ऐसा फील हो रहा है कि जितना बना हुआ ना ये मैं पूरा खा जाऊं। एक्सलेंट, थम्स अप, मतलब हैट्स ऑफ टू माय वाइफ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये दही भल्ला अपने घर पर बनाना चाहते हैं और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो मेरे वाइफ के चैनल पर जाइए, मैं आई बटन में उस
वीडियो का पूरा लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप जाइए उस रेसिपी को फॉलो करिए। मतलब बोलते हैं ना, मतलब उनके स्टाइल में ये जो दही बड़े अगर आप अपने घर पर बना के खाएंगे ना, वाकई में आपको बड़ा मजा आएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं फटाफट मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। मैं वन सेकंड थम्स अप। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि COVID-19 का टाइम चल रहा है और बाहर की सिचुएशंस हॉस्पिटल्स की, और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे सारे फ्रेंड्स से कि आप अपने घरों पर रहें जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, आप घर के बाहर ना निकले। और यही एक रीज़न है कि मैं भी जो है बाहर कोई भी व्लॉग शूट के लिए नहीं जा रहा हूँ, और अपने घर पर कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज़ प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।